अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। होप यू ऑल आर डूइंग वेल, मज़े में, फिट एंड फाइन। अच्छा जनाब, तो आज का जो दिन का आगाज़ है वो करते हैं। मैंने एक्सरसाइज कर ली है, अब मैं एक इंस्टाग्राम की वीडियो बनाने जा रही हूँ और इंस्टाग्राम की वीडियो है अबाउट वी लक्स सीरम स्किन रिपेयर। ठीक है, ये सिर्फ डब्बा यहाँ पे पड़ा हुआ सीरम नहीं है, क्योंकि सीरम ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुकी हूँ एक बॉटल और एक अपने साथ दुबई लेके गई थी और वहाँ पे भी मैं कंटिन्यूसली यूज़ करती रही हूँ। मेरी स्किन बहुत 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 ज़बरदस्त हो चुकी है। अगर आप लोग मुझे रोज़ाना फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, डेली रूटीन से मेरी स्टोरीज देखते हो, तो आप लोग को पता होगा कि मेरे पिम्पल्स निकले थे स्किन पे भी, माथे पे भी, कोई निशान वगैरह नहीं रहा। स्नेल म्यूसिन है इसमें, आपकी स्किन को रिपेयर करता है, एंटी एजिंग स्किन के लिए बेहतरीन है। हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, डार्क स्पॉट हो गया, उसको रिमूव करता है लाइक आहिस्ता आहिस्ता करके। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, इट्स रियली गुड फॉर ड्राई सेंसिटिव स्किन। जब मैंने कहा है इट्स रियली गुड फॉर योर सेंसिटिव स्किन, तो भाई मेरी स्किन को हार्डली कुछ सूट करता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरम जो कि आप अपने लिए ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एंटी एजिंग स्किन वाली लड़कियाँ इसको यूज़ करें, बल्कि टीनएजर्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को लाइक परफेक्ट करने के लिए। परफेक्ट इन अ सेंस के जो डार्क स्पॉट इम्परफेक्शंस या डिस्कलरेशन है उसको सेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए। सो दिन का आगाज़ करते हैं जनाब। वीडियो बनाऊंगी, पहले वॉशरूम से सीरम लेके आऊंगी, उसके बाद जो ये खिलारा है, कुछ चीज़ें मैं दुबई से लेके आई हूँ अपने साथ। हार्डली मैंने दुबई से शॉपिंग की है, इतनी ज़्यादा नहीं की। आई गॉट अ परफ्यूम जो कि बहुत वायरल थी टिकटॉक पे, लाइक इंस्टाग्राम पे, एवरीवेयर बहुत वायरल। तो आई गॉट दैट परफ्यूम फॉर माई सेल्फ। रुको मैं दिखाती हूँ वो। And the perfume's called Ghiza. I don't know how to pronounce it, but ये बहुत 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 viral थी। And even मेरी बहुत सारी friends ने पूछा है कि कैसी है। अब मैं अगर बताऊँ, आप लोग अगर दुबई गए हैं ना, और दुबई की जो तमाम लड़कियाँ उनकी sites जब आप गुजरते हैं, आपको एक specific सेंट फील होती है सेम वैसी, लाइक आपको दुबई की याद दिला दे। तमाम लड़कियां आपके करीब से गुजरती थी, आई एम लाइक वाह अमीरी छलक रही है करीब से अमीरी गुजरी है, ये बिल्कुल वैसी सेंट है। बॉटल लुक्स लाइक दिस, इट कॉस्ट मी 290 dirham। आप अकाउंट कर लो, कन्वर्ट कर लो। सेंट बहुत ज़बरदस्त और बहुत 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 सुपर लॉन्ग लास्टिंग। इसमें मैंने लिया है एम्पीरियल वैली, एंड इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं लिया मैंने, ना मैंने मेकअप लिया है, ना मैंने कुछ ख़ास कपड़े लिए, ना अभी के लिए एक दो सूट लिए थे, एंड दैट्स इट। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था, लास्ट जो गिव अवे विनर थी ना, उसके लिए मैं सूट सिलेक्ट करने लगी हूँ। वहाँ से जो भी उठा लिया आई विल सेंड इट टू हर। एंड जो नेक्स्ट गिव अवे था उसके रूल्स मैं चेंज कर रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रूल मेंशन कर दूंगी और फिर उसके अकॉर्डिंग ही विनर को सिलेक्ट करूंगी। तो चलें भाई, सबसे पहले तो मैं नाश्ता कर लूँ और उसके बाद जो है वो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, दराज से मैंने शॉपिंग की थी तो वो भी गालबन आ चुकी है, और दराज की 11-11 सेल 14 तारीख तक रहेगी। तो आपने अगर कुछ भी लेना है तो गेट इट, क्योंकि बहुत 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 ज़बरदस्त सेल लगी और इतने सारे वाउचर्स। और इवन अगर आप बैंक कार्ड से लाइक अपने कार्ड को यूज़ करके पेमेंट करते हैं तो भाई उस पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट ही डिस्काउंट है, लाइक 1 अरब तक डिस्काउंट्स हैं। तो लेट मी शो यू दोज एज़ वेल। सो अभी मैं अनाबिया को लेने जा रही हूँ। जब आप मास्कियों वाली हालत में हो ना, तो फट से अबाया पहनने, मैंने स्लीपिंग सूट पहना हुआ था, फटाफट मैंने अबाया पहन लिया। अब मैं अनाबिया को लेके आऊँगी, फिर मैं जाऊँगी बैंक, बैंक से वापस आके जो वीडियो थोड़ी सी रिकॉर्ड की है उसको पूरा करेंगे, वॉइस ओवर करेंगे और अपलोड करेंगे। मैम, तो अभी मैं जाने लगी हूँ अम्मी के घर। ठीक है, अम्मी के घर में क्यों जा रही हूँ, मेरे कज़न की शादी आ रही है 16-17-18 को, और एक दूसरे कज़न की है उसकी आ रही है 25-26 को। तो मैंने कुछ जो चीज़ें हैं मतलब कि कपड़े, वो दर्जी को देने हैं। दर्जी को मेरा जो ब्लाउज़ है दोनों साड़ियों का वो बहुत खुला है। एक बार मैं कम करवा चुकी हूँ लेकिन वो ठीक से कम नहीं हुआ, क्योंकि वो शोल्डर से फूला फूला नज़र आता है, तो वो मैं ठीक करवाऊँगी। ये ब्लैक कलर की साड़ी है जो मैंने लुलू सर से ली थी, सेट करवाएंगे, ठीक है, ब्लैक कलर का। कि जो शर्ट है ना बहुत खुली है, ये मैंने कम करवानी है। सिर्फ मैं शर्ट ही लेके जाऊँगी क्योंकि मुझे बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो कपड़े वगैरह हैं वो मैं तय तू करके ना नीचे ले गई हूँ, तो वो मैं आपको नीचे ही दिखाऊंगी। YouTube की वीडियो मैंने बना ली है जिसमें मैंने आप लोगों को वैक्स रिकमेंड किया है। वैक्स का नाम है हलावा वैक्स।
ले लो आंखें बंद करके, मेरी रिकमेंडेशन पे ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। लेट मी शो यू अगेन, ये है वैक्स, ये देखिए ये वैक्स है, बेहतरीन वैक्स है ये, बेहतरीन, ठीक है, ज़बरदस्त है ये मेरी रिकमेंडेशन पे ख़रीदें जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जनाब, तो कल मैंने स्टोरीज लगाई थी कि मैंने डॉलेंस का स्ट्रेटनर मंगवाया जिससे आप बाल स्ट्रेट भी कर सकते हैं और उससे कर्ल्स भी कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा लड़कियों ने बोला कि भाई हमें उसका रिव्यू चाहिए, मैंने बाल कंघी नहीं किए। इट्स ओके। सो बहुत सारी लड़कियों ने बोला कि हमें उसका रिव्यू चाहिए, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो उसकी प्लेट्स, सिरेमिक की प्लेट्स, ऊपर से उसमें रोजमेरी ऑयल के कुछ एसेंशियल वाली थिंग कि भाई आपके बाल इससे डैमेज नहीं होंगे। तो भाई वो वाला एलिमेंट ना मुझे बहुत ही कमाल का लगा, तो आई थॉट कि लेट्स गेट इट। क्योंकि जो मैंने डायसन का एयर रैप लिया उससे बाल कर्ल हो सकते हैं लेकिन उससे बाल स्ट्रेट नहीं होते। वैसे मैंने अभी ट्रीटमेंट कराई है ना, ये मैंने बाल धोए हैं और एयर ड्राई हुए हैं, मैं अभी 2 दिन हो चुके हैं मैंने बाल धोए हैं, थोड़े ऑयली होगी स्कैल्प, लेकिन फिर भी ना ये मैंने कोई स्ट्रेटनिंग ब्रेटनिंग नहीं की। ऑर्गेनिक प्रोटीन ट्रीटमेंट ली थी मैंने समैंथा से दुबई में, ये उसके कमाल है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने वो स्ट्रेटनर मंगवा लिया आप लोगों के लिए, मतलब कि रिव्यू पर्पस के लिए, टैनिका डॉलेंस ऑयल थेरेपी, ठीक है। ये है हाई क्वालिटी सिरेमिक कोटिंग एनरिच विद रोज मेरी ऑयल। भाई इस एक वर्ड ने मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया था। ये है भाई सिरेमिक प्लेट्स कोटिंग रोज मेरी ऑयल एडिटिव, ठीक है, मिनिमाइजिंग द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ हीट एप्लीकेशन, फलाना ढमकाना। सो ये कह रहे हैं भाई रोज मेरी ऑयल जो इसमें ऐड है प्लेट्स पे, तो वो जो है आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है और ज़्यादा बर्न बोर्न नहीं करता। हाई क्वालिटी सेरेमिक प्लेट्स हैं, 4 डिफरेंट टेम्परेचर सेटिंग्स हैं इसमें, ठीक है, 160, 180, 200 एंड 220, हर हेयर टाइप के लिए सूटेबल है। LED डिस्प्ले है इसमें, ये शट डाउन फीचर है, आफ्टर 60 मिनट्स खुद ही बंद हो जाता है, ठीक है। लिंक इसकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी अगर आप लोगों ने लेना हुआ। 21 तारीख तक है भाई सेल, 21 के बाद इसकी प्राइस में हो जाना है डबल, उसी ओरिजिनल प्राइस पे हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सेल से फायदा उठाएंगे, फटाफट परचेज कर लेंगे। ओए होए होए, आप लोगों को पता है कि ग्रीन कलर जो है ना वो मेरी कमजोरी है, कमजोरी, ठीक है। तो यहाँ से ये लॉक भी हो जाता है, ठीक है, ये खुलता भी है इस तरह से, ये देखिए जनाब, और ये हो गया लॉक। तो मैंने, अच्छा ये यहाँ पे शो भी कर रहा है कि ये लॉक हुआ है, देखो लॉक का निशान है, लॉक का बटन रिमूव हो गया है। इसका जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा हो गया, इससे जो है वो कम होता है, ठीक हो गया। और इससे क्या होता है, इससे डायरेक्ट टेम्परेचर ऊपर, ठीक है। मैं अपने बालों पर ट्राई करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्ट्रेट, बट खैर थोड़ा सा मारेंगे इधर फ्रंट पे क्योंकि इसमें थोड़ी सी वेव है यहाँ पे, ठीक है। ये तो उन लड़कियों के लिए डाल दूँ जो कि कह रहे थे कि हम लोगों ने स्ट्रेटनर लेना है, इसका रिव्यू करें, मतलब वाह भाई, अरे 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 अरे, बिल्कुल डिंगे हो गए, बिल्कुल डिंगे नहीं मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। ओ वाह डॉलेंस, नाइस। अभी चलो कर्ल करके देखते हैं, फिर उसको सीधा करके देखते हैं। ओ वाह, मेरा एक बाल भी नहीं खिंचा, मेरे पास जो रेमिंगटन वाला है ना उसमें एक आध बाल खिंच जाता है। सो गुड, सो गुड। ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब कि इसके कर्ल्स भी सुपर लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। अब इसको वापस सीधा कर लेते हैं। अरे वाह, वाह, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा है ये तो भाई। फ्रमेसी को आपने मात दे दी, फ्रमेसी जो है वो इतनी जल्दी कर्ल को स्ट्रेट नहीं करता। ये देखो बस 2 बार मारने से ही स्ट्रेट हो गया। वाओ, प्लीज़ ज़रा शोर को इग्नोर मारिएगा और मेरी बात पे गौर करिएगा। अच्छा, इस स्ट्रेटनर के बहुत फ़ायदे, एक तो आपके बाल फटोफट स्ट्रेट होते हैं, फटोफट कर्ल होते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको स्ट्रेट करके दिखा रही हूँ, कर्ल करके भी दिखा रही हूँ। दूसरा, अगर बहुत ही प्रोफेशनल टाइप वाला स्ट्रेटनर आपको चाहिए ना सैलॉन वगैरह के लिए भी, तो दिस इज़ द वन जिसमें आपको इन्वेस्ट करने चाहिए।
कमाल का शाइन प्रोवाइड करता है, आपको किसी शाइनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें रोज़मेरी ऑयल एडेड है, यू गाइस नो। अब साथ वाले पता नहीं धनिया कूट रहे हैं कि लहसुन कूट रहे हैं, घंटा हो गया उनकी ठक ठक ख़त्म नहीं हो रही, तो काम तो हमको जारी रखना है। तो मुलायजा फरमाइए भाई, कर्ल चेक करें, इतना कोई शाइनी कर्ल। एंड द बेस्ट पार्ट गाइस, कि जब तक आप अपने बाल नहीं धोगे तब तक इन कर्ल्स ने आपके बालों में टिके रहना है, और अगर आपने ऊपर हेयर स्प्रे कर दिया तो भाई ये सुपर लॉन्ग लास्टिंग हो जाने हैं। उसमें ना आपके बाल ऐसे पुल होते हैं तो फिर आपके बाल कर्ल होते हैं। वही ना, वही कह रही है, इतना स्मूथली सिल्की स्लाइड करता है, कर्ल कर स्लाइड करता है वो, बाकी स्ट्रेटनर जो ना वो चिपकते हैं तो वो स्ट्रेट करते हैं, हाँ ऐसे करके नीचे होते हैं। और ये वाला जो है ये बहुत मजे का लग रहा है, मुझे तो बड़ा फिट लग रहा है। कितने का मिला था ये? कुछ 7,000 समथिंग ले लेती हूँ अभी का, मुझे जेज में रखूँ मेरे नहीं किस तरह कर रहा है। बड़ी मस्त चीज़ हुई जो कर्ल बन रहा है ना मरियम। मेरे पास रेमिंगटन वाला भी है, रेमिंगटन वाला भी कोई बुरा नहीं है, अगर आप उसको सैलॉन वगैरह में यूज़ करते हो वेल एंड गुड। लेकिन अगर सैलॉन के लिए आप ये डॉलेंस वाला लोगे तो आपके कस्टमर्स आपको ये नहीं बोलेंगे कि आराम से करें, मेरे बाल बहुत खींच रहे हैं, क्योंकि डॉलेंस वाले से ना बाल नहीं खींचते और रेमिंगटन वाले से हल्के फुल्के बाल खींचते हैं और टूटते हैं। सो स्ट्रेटनर आपको 1,000, 2,000, 3,000 का भी मिल जाना है, लेकिन उसने साल डेढ़ साल के अंदर अंदर ही ख़राब हो जाना है, फिर आपने दूसरा लेना है। तो इससे अच्छा कि आप 1,000, 2,000 ज़ाया करो, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है, अच्छे वाला ले लो ताकि वो ज़्यादा टाइम चल सके। लाइक बहुत आला A1 ज़बरदस्त, रिकमेंडेड रिकमेंडेड एंड रिकमेंडेड दोस्तों। चलो जनाब, अब मैं आपको ना दिखाती हूँ बाकी प्रोडक्ट्स जो मैंने दराज से मंगवाए हैं, हर एक की लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। 11-11 सेल लगी हुई है, फ़ायदा उठाएं उससे और कम दामों में चीज़ें बाय करें। ये मंगवाया है जी मैंने मस्क अबियाद, देखते हैं कि इसकी सेंट कैसी है। ओए होए 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 होए, इतनी कोई ज़बरदस्त, इतनी कोई ज़बरदस्त, उफ़ सो गुड सो गुड। अगर आपको फ्रेश सेंट पसंद है, ठीक है, ये बिल्कुल इत्र वित्र जैसी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल हाई एंड परफ्यूम्स की तरह है, बहुत ज़बरदस्त पाउडरी फ्रेश इस तरह की सेंट है इसकी। माली मेरी दोस्त की फेवरेट थी, मैंने उसकी रिकमेंडेशन पे मंगवाई है, एंड आई मस्ट से इसरा दिस इज सो गुड। इयररिंग्स है ना, मेरे ख्याल से ये 300 के 400 रुपए के थे, और ये भी मैंने दराज से मंगवाए हैं, और देखो कितने खूबसूरत डिसेंट लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। मैंने क्या मंगवाया है, ये वो है इसका, अच्छा होता है, इतना फिट। बाकी समझ गया हो ना, कारपेट क्लीनर मंगवाया है, सोफ़ा क्लीनर और कारपेट क्लीनर, इसको ट्राई करके मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी। सारी चीज़ें भी दिखा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो चीज़ें यूज़ करके दिखा दूंगी अगर आपको चाहो तो, ठीक। फिर जनाब मैंने ये तीन, इसको क्या बोलते हैं भाई, तीन डोंगे मंगवाए हैं, तो फिर मैंने ये तीन का सेट मंगवाया है डोंगों का, ठीक है। इसमें आप अपने खाने वगैरह फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तीन साइज है, ये सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, एंड देन लास्ट में सबसे छोटा जो इसके अंदर पड़ा हुआ है। सबके ऊपर ढकने हैं, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, ऐसे नहीं कि बहुत हल्की भारी भरकम क्वालिटी है इसकी, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से कोई चीज़ गरम हो और गरम आपने अंदर डाली है और ढक्कन रख दिया, तो इसको आप ऊपर उठाएंगे, ठीक है, और यहाँ से भाप निकलेगी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि भाप अंदर जम गई और पानी उसमें अंदर चला गया, ठीक है। ये देखिए
10 चीज़ मंगवाई है मैंने उन तमाम ख़वातीन के लिए जिनकी एड़ियाँ फट जाती हैं सर्दियों में और जिनकी पैर जो हैं वो सॉक्स में गर्म और ठंडे हो जाते हैं, जिनको रिएक्शन हो जाता है, उनके पैर फूल जाते हैं, तो उनके लिए भाई ये आया है सिलिकॉन हील कवर अप। मतलब आपने क्रीम लगाई और पैरों में इसको पहन लिया और ये सिर्फ एड़ी की साइड पे आता है, ठीक है। मैं अभी आपको पहन के दिखाती हूँ, एड़ी की साइड पे आता है और ये दोनों पैरों के लिए, ये देखें इतना फ्लेक्सिबल, इतना कंफर्टेबल होता है। चलो फिरो, दौड़ो, जो भी करना है करो, इसको पहन के क्रीम लगा के रात को सो भी जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये देखें इसके अंदर ये छोटे छोटे सुराख हैं तो इसमें हवा भी अंदर जाएगी, आपके पैर जो हैं वो निशान नहीं पड़ेंगे उसमें। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कि मैंने अम्मी के लिए मंगवाई, क्योंकि उनकी एड़ियाँ बहुत फट जाती हैं और उनके पैर सर्दियों में सॉक्स पहनने से सूज जाते हैं। आप भी ख़रीदो अपनी अम्मियों के लिए, ठीक है ना। एक क्यूट सा ब्रश मंगवाया है, ठीक है, ये शूज़ और बूट साफ़ करने के लिए है। इसमें आप यहाँ पर सोल्यूशन डालते हैं, ठीक है, एंड देन इसके ऊपर ये ढक्कन बंद हो जाता है और फिर इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता अपने शूज़ को ब्रश करते हैं। जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है वो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको यूँ नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, ये देखिए यूँ नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, यहाँ से सोल्यूशन निकलता है, आपके शूज़ पे लगता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो कि मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ली है। इसकी लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। इवन बच्चे बड़े खुशी खुशी से अपने शूज़ साफ़ करेंगे। परफ्यूम मंगवाई है, ठीक है, और इन्होंने साथ में मुझे सैंपल भी भेजा है, सैंपल को बाद में टेस्ट करेंगे, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम ब्लैक एंड सिल्वर फ्री फ्रॉम अल्कोहल। सकते हैं जो पहला वाला मैंने दिखाया वो तो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त, उसका तो लगेगा भी नहीं कि आपने इतर लगाया है। सो ये है इसकी पैकिंग, ठीक है, दुआ करें कि सेंट अच्छी हो क्योंकि भारी भरकम सेंट से मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। ओह इट्स रियली गुड फॉर जेंट्स, ये ना जेंट्स के लिए सिट्रसी, ठंडी ठंडी, जैसे कि मर्दों की परफ्यूम होती है। सो मैं इसको स्वॉच नहीं करी क्योंकि ये जेंट्स की है। अगर आपने डियोर की सवाज यूज़ की है ना तो दिस इज़ द ड्यूब बाय वॉच हो रहा है, आई एम सो सॉरी। सेम वैसी है, सेम है ना, रोल ऑन है, ठीक है, इसके साथ वो डंडी टाइप चीज़ नहीं है जो कि इतर में होती है अक्सर। तुम्हारी आसानी के लिए मैं क्या कुछ मंगवा रही हूँ, लोग ना ये ना कहे कि मेरे कमरे में दर्द हाँ बस ये थी आज की वीडियो, ठीक है, जब ये प्रोडक्ट्स ट्राई करूँगी, यूज़ करूँगी, फिर आप लोग को दिखाऊँगी दूसरी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मज़ा आए सीट ही निकल जाए ऊपर से। ओए नाबो, नाबो चलो लेट्स गो, नाबो लेट्स गो, ओके नहीं ना बस ना, चलो आ जाओ, लेट्स गो, कमॉन लेट्स गो, कमॉन लेट्स गो, आ जाओ, लेट्स गो इन द कार, लेट्स गो इन द कार।